ए, तुम लोगों के सामने तुम्हारा सोसाइटी का छोकरी लोग को छेड़ता हूँ। क्या तोड़ सकता तोड़। देखिए देखिए, आप इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास लाइसेंस है। नॉनसेंस, एको टाइम है लाइसेंस पूछ, देखो मरवाएगा सबको। जेठालाल मजाक छोड़ो, हम सभी ने हमारी मेहनत की कमाई में से 1,00,000 रुपए उसे दिए हैं। अगर उसका कोई आता पता नहीं है तो हम लोग तो तुमसे ही पूछेंगे ना। क्यों, उसको 1,00,000 रुपया देने के टाइम आपने मुझसे पूछा था? उल्टा जब तुम लोग उसको मिलने आए तब मैंने तो ऐसा करके मना किया था तुमको। हाँ, इसीलिए हम सब भी वो स्किन सुनकर चले गए थे, लेकिन दया भाभी ने वापस हम सबकी बीवियों को बुला लिया था। हाँ, और दया भाभी ने तो गारंटी भी ली थी। हाँ, मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है ये। जेठालाल, हमको तो हमारे पैसे चाहिए बस। ठीक है, तो जिसको दिया उसके पास जाकर मांगो। जेठालाल देखो देखो, बहुत हो गया, अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ये भीड़े, तुम एक कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहे हो। जाओ, जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ, जाओ। मैं नहीं देता पैसा, जाओ। अरे तुम्हारी वजह से मेरा 1,00,000 फंस गया, उसका क्या? ओए, वो सब हम नहीं जानते, कल सुबह तक हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना 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 ठीक नहीं होगा। बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या है? अरे मेहता साहब, क्या क्या हुआ, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। ये अय्यर भाई की गलती। लेकिन अय्यर ने किया क्या है? वो बोलने जैसा ही नहीं है हाथी भाई, लेकिन इतना पक्का है कि गलती अय्यर भाई की है, बराबर? क्या गलती है मेरी जेठालाल, क्या गलती है मेरी? अय्यर साहब, लुंगी नीचे करो। देखो ये बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। मैं क्या फूल हूँ? फूल नहीं, तुम तो दुनिया बनाने वाले की भूलो भूल। जेठालाल, क्या कहा तुमने? भगवान, अय्यर लुंगी नीचे। अय्यर भाई, आपको कुछ आइडिया है सासू का क्या दर्जा होता है, है? अरे संत श्री राजेश खन्ना कह गए हैं क्या, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, अरे दुनिया के सब तीरथ झूठे, अरे चारों धाम घरवाली है। समझे आप? ये मेरे को क्या समझा रहे हो तुम, ये बबीता को समझा। ठीक है, नहीं तुम नहीं जेठालाल, तुम नहीं बेहतर साहब, आप जरा समझ। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बबीता, आप समझने की कोशिश करो। Listen, मेहता जी, I don't want to understand anything. भाई क्या ये? मैं अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अरे अय्यर भाई, ये क्या है भाई, पहले बीवी बैग लेके आती है, फिर पति बैग लेके आता है, आखिर हुआ क्या है? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। शाबाश, मैं रिक्शा बुला के आता हूँ। क्या कह रहे हो यार? अरे छोटी, तुम अभी तक इधर ही हो, तुमको मैंने कितनी बार समझा, तुम्हारी वजह से देश को कितना नुकसान होगा। अरे वो देश का 27,899 रुपए मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करा दूंगा, पर अभी ये सब देख के मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। तथास्तु। Ha 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 ha!
बबीता हमको अप्रैल फूल बनाया बकरा बनाया क्या? यह पुलिस नकली है नकली नकली है जेठा लाल हम तुमको अप्रैल फूल बनाने वाला था तुमने हमको ही बना दिया क्या हुआ बबीता जी बालकनी में जेठालाल नारा को देख के ऐसा चुप क्यों रहे हो कौन चुप कौन रहा है वो तो ये मेहता साहब बोल रहे थे कि वो अभी बारिश का मौसम गया ना तो ये बालकनी में से पानी बहुत लीकेज हो रहा है अरे यार ये इधर से तो बहुत ज्यादा होता है इधर से तो ठीक है मैं कल है ना वो कड़िए को बुला के दिखवा लेता हूँ नहीं 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 कड़िए से नहीं होगा जेठालाल कारपेंटर बुलाना पड़ेगा अरे यार क्या है पानी इधर से गया ये इधर तक पहुंच गया ये दरवाजे में लकड़ा एकदम ढीला हो गया खराब हो गया ये अच्छा हाँ तो आओ जरा अंदर बैठ के बात करते हैं एक मिनट जेठालाल वाह मेरा मोबाइल का क्या हुआ अरे हाँ वो मैं बस अभी जा ही रहा हूँ दुकान लेने के लिए अभी तक नहीं लाए अरे अब तुम दुकान जाओगे तो मेरा का मोबाइल कब दोगे रात तो हो गई जेठालाल अल्लाह बोलो दोपहर को मोबाइल दूंगा दोपहर को कहा था शाम को अबे शाम की रात हो गई लेकिन अब तक मोबाइल का कुछ अता पता नहीं है इस दिस एथिक्स ऑफ बिजनेस जेठालाल मैंने तुमको पूरा पेमेंट भी कर दिया मेरा को अब तुम फाइनल बोलो मुझे मोबाइल दोगे कि नहीं दोगे दूंगा जरूर दूंगा नहीं क्यों दूंगा भाई तो फिर कब दोगे कल कल पक्का पक्का नहीं कल यह मत बोलना कि परसों दूंगा भाई कल मेरे को मोबाइल कुरियर करना है कोलकाता नहीं नहीं कल पक्का पक्का कितने बजे अरे नहीं मालूम कितने बजे लेकिन कल दूंगा वो पक अरे जाओ ना भाई काम करो ना अपना और कल मत करो तुम कुरियर मैं खुद प्लेन में बैठ के बबीता जी के भाई को दे के आऊंगा मोबाइल पर्सनली और इधर कोई लिखत नहीं हो रहा है समझ गया कल गुड नाइट मिस्टर अय्यर दिमाग खा गया आदमी बबीता जी क्या हुआ कि दया शॉपिंग में गई थी तो उधर से मेरे लिए वो बालों में लगने का फॉरन का जेल लेके आई तो जेल मैंने लगाया बालों में तो थोड़ी अलग हेयर स्टाइल हो गई है मेरी अच्छा तो फिर ये नया हेयर स्टाइल दिखाओ हमको अरे दिखाओ दिखाओ जेठालाल उतना शर्मा क्यों रहे हो नहीं नहीं वो नबीता मेरे को लगता है तुम बोलोगी तो ही वो अपनी हेयर स्टाइल दिखाएंगे दिखाइए ना आपका नया हेयर स्टाइल हाँ अरे टप्पू के पापा ये लोग इतना कह रहे हैं तो दिखा दीजिए ना अपनी हेयर स्टाइल ये लोग तो घर के ही है ना देखिए अरे जेठा जी आप तो बिल्कुल अलग ही लग रहे हो अलग अलग नहीं फनी फनी लग रहे हैं अबे जो है वो बोलने में गया है
लेकिन जेठालाल तुम्हारा ये हेयर स्टाइल एकदम फनी है। तुमको तो है ना वो फनीस्ट हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए, तुमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट, एक फोटो लेता हूँ तुम्हारा मैं। अरे थोड़ा स्माइल करो ना। बहुत हंस रहे हो। यार बस करो अभी। बबीता या ये देखो। वो जेठालाल ने जो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, उसको मैंने सर पर लगाया और जब बाल धोया तो ये ऐसा हो गया। पर तेल से बाल ऐसे कैसे हो गए? बबीता जरूर उस जेठालाल ने कुछ गड़बड़ की है। हाँ उस जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल जेठालाल हमको बैठना नहीं है। क्यों? इधर बाल खड़ा हो गया है। शांति रख। यार भाई बाल खड़े हो गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। आया बैठिए बैठिए बैठिए। जेठालाल ये बाल तुम्हारी वजह से खड़े हो गए। तुमने ऐसा कौन सा तेल दे दिया मेरे को? तेल? कितना झूठ बोल रहे हो यार भाई आप। मैंने आपको तेल दिया ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं। जेठालाल तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं। क्या बात करते हो, तुमने ये तेल मेरे को नहीं दिया था? नहीं नहीं ये बोतल तेल का है लेकिन इसके अंदर शैम्पू है। शैम्पू? पर शैम्पू से बाल ऐसे थोड़ी होता है। हाँ होता है बबीता जी। हाँ। ये शैम्पू से बाल ऐसे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच जीठा जी जो आप इतना अच्छा केक लाए हमारे लिए। अरे थैंक यू की क्या बात है बबीता जी, मुझे मालूम था ये अय्यर भाई भूल ही जाएंगे। काटिए काटिए काटिए, लीजिए लीजिए। एक मिनट लाइए ले, मैं आपको खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे पूरा, अरे अरे लीजिए। अरे को केक नहीं खिलाओगे? अरे खिलाऊंगा, क्यों नहीं खिलाऊंगा। ये लो आपके लिए भी ये बड़ा सा पीस मैं काटता हूँ, ये लीजिए आप भी ले। अरे मेरे भी सही बात। अरे अरे अय्यर भाई धीरे धीरे, साइनिस्टों को इतना भी नहीं मालूम सोडा इतना फास्ट फास्ट नहीं पीते। जेठालाल मेरे को मालूम है, और तुम पहले साइंटिस्ट बोलना सीखो। जब देखो तब साइनिस्ट 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 बोलते रहते हो, खुद तो पढ़ाई किया नहीं और मेरे को सिखाने चले।
जेठालाल यार दोस्त से मजाक चल रहा है जेठालाल। अरे जेठालाल क्या लगाया तुमने मेरा टी शर्ट पर? पोपटलाल यार देख रहा क्या लगाया? पोपटलाल नहीं बताना मत, बताना मत। अय्यर भाई कुछ नहीं है। पोपटलाल बताओ ना क्या लगाया? अरे बोलो ना कुछ नहीं है। अजारन तुम बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं है अय्यर। अजारन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अरे सच में कह रहा हूँ कुछ नहीं है, अभी क्या झूठ बोलू मैं? अजारन आप बताइए। तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या लगाया जेठालाल ने? अरे भाई कुछ नहीं है, तुम किसी का विश्वास नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहा है जेठालाल। ऐसे पीठ थपथपाई थी तुम्हारी, शाबाशी दे रहा था भाई। अरे यार भाई आप क्या इतना साइनी सुनने का घमंड करते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी दुकान चला के बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि दुकान चलाना रॉकेट चलाने जितना आसान नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे जेठालाल तुम? अरे साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है मालूम है तुमको? मालूम है, इसलिए तो मैं मेरे टप्पू को पढ़ा रहा हूँ। देखना एक दिन पढ़ाई कर करके वो सीधा साइंटिस्ट लोगों का सेठ बनेगा। जेठालाल सबसे पहले उसका सेठ नहीं बॉस बोलते, और डायरेक्ट बॉस कभी नहीं बन सकते, जूनियर लेवल से चालू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन मिलते मिलते बॉस बनते हैं। नहीं 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 हम तो टप्पू का सीधा बॉस ही बनाएंगे। अरे क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता है, प्रमोशन लेना पड़ता है। अरे पर नहीं चाहिए हमको प्रमोशन, हमारे पास भगवान का दिया सब है, हम इतने लालची नहीं है भाई। अरे टप्पू सीधा बॉस बनेगा, और हमारे हिस्से का जो प्रमोशन आएगा ना वो जरूरतमंदों में बांट देंगे, हमको नहीं चाहिए। जेठालाल तुम प्रमोशन का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा समझाइए इसको प्लीज। अरे अय्यर भाई क्या समझाऊं मैं जेठालाल को? अरे आप साइंटिस्ट हो के इतना नहीं समझ रहे हो, को मजाक कर रहा है, मस्ती ले रहा है आपकी यार, और आप सीरियस हो रहे हो। अरे अय्यर भाई सोडा पी रहे हैं, सोडा पीने का मजा लेते हैं। आजकल अय्यर भाई सुबह सुबह उठकर तबेले में दूध लेने जाते हैं। तबेले में? का नाम पापड़लाल नहीं नारद लाल होना चाहिए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है। सुबह सुबह की बेला अय्यर चले तबेला। अरे तो काम करो ना अय्यर भाई, एक भैंसी ले लो, खरीद लो, इधर कंपाउंड में बांध दो, तो क्या पूरी सोसाइटी को फ्रेश दूध मिलेगा? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप जिस तरह बहुत अच्छी हूँ बोलते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और सुबह सुबह किस तरह? बस सुपर मार्केट जा रही हूँ। हाँ तो आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो नो इट्स ओके थैंक यू। वो अय्यर अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, तो ऑन द वे मुझे ड्रॉप कर देगा। आप अय्यर भाई है कहाँ? हाँ बोलो जेठालाल क्या हुआ? नहीं नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था बबीता जी से, अय्यर भाई कहाँ है ऐसा? क्यों एडवेंचर पार्क जाना है? अरे हाँ जेठा जी मैंने वो टप्पू सेना के एडवेंचर पार्क वाले फोटोग्राफ्स देखे, बच्चों ने तो बहुत मजा किया है। इनफैक्ट मैं क्या कहती हूँ हम सबको एक दिन एडवेंचर पार्क जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम सबको? हाँ हाँ मुझे तो एडवेंचर्स करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा या क्यों जेठालाल तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा अरे यही सब करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ बबीता जी। बचपन में जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ना, डाली पे लटकना, डाली से नीचे हो पानी के होज में धुबाका मारना, यही सब करता था। वाओ दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो पक्का हम सब एडवेंचर पार्क जाएंगे? ओके हाँ हाँ पक्का जाएंगे। और अय्यर भाई मैं आपको वहाँ सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, पेड़ पे चढ़ना वरना सब सब सिखाऊंगा। टप्पू के पापा ये लीजिए आपका पर्स, आप घर पे भूल गए थे। चलो मैं निकलता हूँ। अरे जीठा जी वो दया भाभी का हमारा एडवेंचर पार्क वाला प्लान तो बता दी चाहिए। कौन जा रहा है? हम सब जा रहे। हम सब मतलब टप्पू के पापा भी? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं 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 टप्पू के पापा नहीं आएंगे, उनका ऐसा मानना है कि शरीर को उल्टा लटका के, शरीर को कूद का मरवा के या सुरंग में से निकल के कष्ट नहीं देना चाहिए। जेठालाल ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को एडवेंचर सिखाने का बात कर रहा था,
कि बचपन से ही तुम पैर पर चढ़ना, पैर से नीचे कूदना, वो डाली पर लटकना, यही सब करते हुए बड़े हुए हो। क्या? हाँ? तो फिर टप्पू के पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे? कि भगवान ने इतना कोमल शरीर दिया है तो उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। दया, मेरी दया बहुत भोली है बबीता जी। दया वो कोमल, मतलब मैं कोमल भाभी और हाथी भाई की बात कर रहा था। क्या? मैं नहीं समझी। समझाता हूँ। क्या है बबीता जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं गोकुलधाम वासी सब साथ में मिलजुल कर जाते हैं ना। हाँ। तभी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी हाथी भाई कोमल भाभी भी आएंगे साथ में, तो वहाँ क्या है कि हम लोग तो ये सब साहसिक प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन हाथी भाई कोमल भाभी तो नहीं कर पाएंगे ना, उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं आइडिया से जरा दया को मना कर रहा था ऐसा। अच्छा अच्छा, उनसे कोई गलती हो गई? नहीं, क्या है यार भाई, इतने जल्दी जल्दी में निकल गए। दया ने चाय नाश्ता का पूछा तो उसके लिए भी नहीं रुके। आप आए होते तो साथ में चाय नाश्ता करते तो बेचारी दया भी खुश हो जाती ना। I'm so sorry जीठा जी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे पेपर बदल गए ना तो मैं ही पक्का आऊंगी। ओके चले बबीता। दूसरा, ये अय्यर भाई कह रहे थे कि सुबह होते ही आपको पेपर चाहिए ही चाहिए होता है। यस एब्सोल्युटली, सुबह सुबह उठ के मैंने अगर पेपर नहीं पढ़ा ना तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ, एज इन मुझे चैन नहीं पड़ता है। सेम टू सेम मेरे जैसी आदत है बबीता जी आपको, मेरा भी ऐसा ही है। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले पेपर चाहिए ही होता है और एक एक खबर इतनी बारीकी से पढ़ता हूँ मैं, यूं समझिए वो दिमाग की तरह पूरा अखबार में खा जाता हूँ। रियली? हाँ, उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है ना। बिल्कुल, और सबसे बड़ी पूंजी तो अज्ञान ही है। Yes. पूंगी मतलब? यार भाई, अरे पूंगी नहीं, पूंजी 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 वह भी मतलब? पूंजी मतलब क्या बोलते उसको, अपना खजाना, खजाना। हाँ। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ आप अभी तक यही है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। अय्यर भाई, ये क्या, आप हमारे घर से जल्दी है जल्दी है करके निकल गए, चाय नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ पे आए ना बातें कर रहे हैं। दया भाभी, हमको तो जाना ही है, ये जयलाल छोड़ नहीं रहा है। क्यों टप्पू के पापा, आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं नहीं, हो रही है। चलो ओके ओके, मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए रुकिए। क्या है? अरे आप जो थैले लेकर जा रहे हैं उसमें देखिए क्या है। क्या है? क्या मोबाइल का नया पीस है? नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये देख। सैंडल सैंडल। जडलाल, ये कोई नया पीस आया है मार्केट में मोबाइल का? नहीं तो फिर इसको ऐसा डायल कैसे करेंगे, सिम कार्ड कैसे डालेंगे इसमें? बबीता, मेरे को लगता है कि यह मोबाइल कोई जायंट लोग ऐसा यूज करेगा। क्या है, जायंट लोग ऐसा यूज करेगा ना तो ऐसा लगेगा कि लड़की ने उसको सैंडल मारा हो और वो सैंडल ऐसा गाल पर चिपक गया है। Ha 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 ha!